गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आपका स्वागत है। मैं आज थर्ड सेमेस्टर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, का एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का नाम है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं इस पर आज वीडियो बना रहा हूँ। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें कि आज मैं आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है और इसमें आपके कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, मैं इस पर आज बताऊँगा, ठीक है। तो एक एक करके चलते हैं हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे लाइफ से कितना जुड़ा हुआ है ये हम लोग समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए है तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मैं अपने बारे में बता दूँ, मेरा नाम एस के भारती है, सभी लोग मेरे को भारती सर बोलते हैं जनरली, जो बोलते हैं इसलिए मैंने बताया, ठीक है। आप अपने दोस्तों से पूछेंगे भारती सर कौन है तो बताएंगे आपको। फिलहाल मैं आपको टॉपिक पे लेके चलता हूँ। नाम मैं ऐसे भी कुछ नहीं रखा है, मेरी पढ़ाई में रखा है। मैं जो भी पढ़ाऊँगा अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो चलते हैं टॉपिक पे आते हैं। अगर मैं सिलेबस को दिखाऊँ तो अगर आपके पास डाउनलोड किया हुआ सिलेबस होगा तो आप यहाँ से वहाँ से देख सकते हैं, या मेरे ऐप में जाएंगे, ठीक है। तो ऐप में जाएंगे तो आपको सिलेबस वहाँ मिल जाएगा, उसमें बुक्स मिल जाएगा, सिलेबस मिल जाएगा और जो टीचर्स पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए वीडियो बना रहे हैं वो वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक है। यदि आपके पास नहीं है ऐप तो आप मेरे को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, मैं एक नंबर लिखता हूँ उस पर, ठीक है, 7050251210। इस नंबर पे आप रिक्वेस्ट भेजेंगे कि हमको ऐप का लिंक भेज दीजिए, तो आपको ऐप का लिंक भेजेंगे। आप वहाँ पर लिंक मिलने के बाद आप उसको डाउनलोड करेंगे। उस ऐप में सारी चीज़ें एकदम सुरक्षित, एकदम अच्छे से सजा के रखी गई हैं, आप बढ़िया से उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं टॉपिक पे आते हैं। ये सेमी कंडक्टर डायोड सबसे पहला टॉपिक है हमारा, दूसरा रेक्टिफायर एंड फिल्टर्स, तीसरा ट्रांजिस्टर्स, चौथा बाइसिंग ऑफ BJT, ठीक है, पाँचवा रेगुलेटेड पावर सप्लाई, छठा स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर। सबसे पहला क्वेश्चन, सर ये सब तो कुछ भी समझ में नहीं आया, क्यों? क्योंकि जो हमारी दुनिया थी वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैकेनिक्स, ड्राइंग, ये सब की दुनिया थी। यदि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो या सिविल या मैकेनिकल, तो आपको यही सब पढ़ाया गया फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में। तो अब हम आपको वैसी दुनिया ले जा रहे हैं जहाँ जिस पे कि आपको कोई नॉलेज नहीं है, सिर्फ सुने हैं, जानते हैं, देखे भी होंगे थोड़ा मोड़ा, लेकिन एग्जैक्टली उसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी आपको नहीं है। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है उसका नाम है सेमीकंडक्टर डायोड। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमें सेमीकंडक्टर की दुनिया समझनी होगी, ठीक है। सेमीकंडक्टर, ओके, ये कहाँ से आया तो मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था मैटर, ठीक है, मैटर जिसे आप पदार्थ कहते हैं, ठीक है, सही बात बोला, पदार्थ, ठीक है। और इस मैटर को तीन कैटेगरी में, मुख्यतः तीन कैटेगरी में बांटा गया। एक का नाम रखा गया कंडक्टर, एक का नाम रखा गया इंसुलेटर और एक का नाम रखा गया सेमीकंडक्टर, ठीक है। इसको ऐसे बांट सकते हैं हम, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। मैटर को तीन कैटेगरी में बांटा गया था, सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। अगर हम बात करें तो मैं मैटर को तीन कैटेगरी में हम लोग को बचपन में सिखाया गया था, ठोस, द्रव और गैस। अगर मैं इस सॉलिड को बांटूं, लिक्विड गैस के बारे में बाद में स्टडी करेंगे, तो इस सॉलिड को बांटूं तो यहाँ पर मेरे को मिलेगा कंडक्टर, दूसरा मिलेगा इंसुलेटर, ठीक है, और तीसरा मिलेगा सेमीकंडक्टर। यहीं से आया है सेमीकंडक्टर। तो अब आप ये सेमीकंडक्टर, जब भी हम लोग जनरली केमिस्ट्री में मैडम या फिर सर या कोई भी आपको जो पढ़ाते होंगे वो आपको कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की जानकारी, मेटल्स, नॉन मेटल्स की जानकारी देते थे। तो यहाँ पर हम लोग, ठीक है, एक नया एलिमेंट, नया टॉपिक के बारे में जानेंगे, दैट्स नेम इज सेमीकंडक्टर। अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो इसे बोलते हैं चालक, ठीक है। आप इतना सुनने के बाद आपके दिमाग में दौड़ने लगा होगा कि चालक, अच्छा 10 क्लास में हमने पढ़ा था, इसको कुचालक बोलते हैं आप, ठीक है। तीसरा जो है इसे बोलते हैं अर्ध चालक। यदि मैं बोलूं अर्ध चालक, ठीक है, तो
तो अब आप सोचेंगे अर्धचालक क्या होता है, ये अर्धचालक क्या होता है, ठीक है। आधा चालक, पहले आप सोचिए अर्धचालक क्या होता है। ये आज तो मेरा फर्स्ट क्लास है, तो मैं अर्धचालक के बारे में आज नहीं, सेकेंड क्लास में बताऊंगा कि अर्धचालक क्या होता है, लेकिन आज एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि अर्धचालक क्या होता है, करेक्ट डेफिनेशन चुन के रखिए, ठीक है। ओके, तो अगर मैं सेमीकंडक्टर्स के बारे में अगर आपको समझा दूं पूरे तरीके से, तो आप सेमीकंडक्टर से एक डिवाइस बनाने लगिएगा, दैट्स नेम इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर डायोड। क्या? सेमीकंडक्टर डायोड। सर डायोड एक नया शब्द आ गया, सही बात है, ये क्या चीज होता है, ठीक है। तो अगर मैं इस डायोड को तोड़ूं, तो डायोड में दो शब्द होते हैं, एक डाई और एक ओड। तोड़िए, यहां से तोड़ दिया। डाई मीन्स होता है टू, क्या होता है टू। ओड मीन्स होता है इलेक्ट्रोड, डायोड इलेक्ट्रोड, जिसमें दो इलेक्ट्रोड पाए जाते हैं। जनरली दो इलेक्ट्रोड एनोड कैथोड को आप बोलते हैं, सही बात, सही समझ रहे हैं, एनोड और कैथोड। जनरली जिस डिवाइस में डाल दिया गया एनोड और कैथोड, तो वह डिवाइस, ठीक है, डायोड कहलाता है। और यदि वह डिवाइस सेमीकंडक्टर से बनाया गया है, सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाया गया है, तो वो पूरा डिवाइस कहलाएगा सेमीकंडक्टर डायोड। अब बोलेंगे सर डायोड कैसे बनाएंगे, ठीक है, और डायोड बनाएंगे तो फिर उसका काम क्या होगा, बहुत सारा क्वेश्चन आ गया आपके पास, ठीक है। तो एकदम डायोड का काम मैं आपको बताऊंगा। चलिए मैं एक दो एग्जाम्पल देता हूँ और आप सोचिए उस एग्जाम्पल को। पहला एग्जाम्पल, आपके घर में जो अभी पावर सप्लाई आ रहा है, ठीक है, वो एसी आ रहा है, करेक्ट, क्या आ रहा है, एसी। अब बोलेंगे सर ये एसी क्या होता है, ठीक है, तो आप एसी का तो नाम सुने होंगे, फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करेंट, करेक्ट। बाद में इसके बारे में राजीव सर आपको नेटवर्क थ्योरी में डिटेल बताएंगे एसी क्या होता है, घर में एसी कैसे आता है, उस पर कितना क्या उसका प्रॉपर्टीज है, वो सारा का सारा राजीव सर की जिम्मेवारी में है, वो नेटवर्क वाले सर बताएंगे। फिलहाल मैं आपको इतना बोलूं कि घर में हमारे पास जो पावर सप्लाई आता है, एनर्जी आता है, वो एसी होता है, ठीक। लेकिन बैटरी जो आपके पास है उसके अंदर भी एनर्जी होता है, वो एसी नहीं होता, वो डीसी होता है। क्या होता है? डीसी। तो घर में आपके पास बैटरी भी है और घर में एनर्जी एसी भी आ रहा है, ठीक है। एक बच्चा, एक घर में एक आदमी कहता है इस बैटरी को चार्ज कर दीजिए, ठीक है, तो चार्ज कैसे कीजिएगा? एक घर में एसी आ रहा है और आपका बैटरी डीसी है, दोनों तो अलग अलग दुनिया में रहता है, अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज है। तो आप बोलेंगे नहीं, चार्जर नाम का एक डिवाइस होगा, उससे हम जोड़ देंगे तो एसी को वो डीसी में कन्वर्ट करेगा। क्या? फिर से लाइन सुनिएगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, एक डिवाइस लगाना होगा, चार्जर बोलते हैं आप उसको, करेक्ट। आप मोबाइल का एग्जांपल ले लीजिए, आपका मोबाइल डिस्चार्ज होता है तो क्या एसी से चार्ज होता है? जी नहीं, आप बीच में एक चार्जर नाम का डिवाइस लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि एसी आया और डीसी में कन्वर्ट हुआ। आप सोचिए कि अगर वो चार्जर नहीं लगाइए आप और डायरेक्ट तार से जोड़ दीजिए, आज करके देखिएगा अपने सारे मोबाइल में, ठीक है। हाँ, मत कीजिएगा ऐसा, नहीं तो फिर पता चला कि भारती सर के कहने पर मोबाइल ही जल गया, मोबाइल ही डिस्ट्रॉय हो गया, ऐसा नहीं करेंगे आप, ठीक है। वो चार्जर जो है डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से बना होता है, जिसका मुख्य काम एसी सिग्नल को, एसी सप्लाई को डीसी में बदलना होता है, करेक्ट। तो आप सोचेंगे उसमें मुख्य मुख्य डिवाइस कौन होता है, उसमें एक डिवाइस, उसमें मुख्य मुख्य ढेर सारे डिवाइस होते हैं, लेकिन उसमें से एक का नाम डायोड कहलाता है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है और वो कैसे एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। तो हमने अभी इतने देर में क्या क्या बातें बताई, फिर से रिवाइज करते हैं आराम से। मैंने आपको बताया कि मैं इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले सबसे पहले मैं सेमीकंडक्टर की दुनिया ले जाऊंगा, सेमीकंडक्टर क्या होता है, मटेरियल कहाँ से आया, ये सब के बारे में समझाऊंगा आपको। इसका बेस्ट एग्जांपल बता दूँ सेमीकंडक्टर का, सिलिकन और जर्मेनियम, करेक्ट, इसका यूज़ करेंगे। ये वही सिलिकन, बालू वाला सिलिकन, एकदम सही समझ रहे हैं आप, सिलिका। सिलिका को हम लोग लेके आते हैं, उसको मेल्ट करते हैं, उसको प्यूरीफाई करते हैं, इचिंग करते हैं, बहुत सारा प्रोसेस करने के बाद जाके वो एक मटेरियल तैयार होता है, जो कि हम लोग उसको इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बनाने में यूज़ करते हैं, जिसमें पहला इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हम लोग दिखाएंगे उसका नाम है डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड, ओके। तो मैंने सबसे पहले आपको सेमीकंडक्टर के बारे में बताया,
ठीक है, ऐसे बताया नहीं, सिर्फ बोला कि सेमीकंडक्टर होता है, अभी कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको इस दुनिया में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। डायरेक्ट सिलेबस स्टार्ट करूँगा, ये होता है ये होता है, रटना नहीं है। हम लोगों को पहले इस दुनिया में समझना है, जीना है इस दुनिया को। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में एंट्री कर रहे हैं तो आप रट के पास करना चाहते हैं तो नोट्स अवेलेबल है, बहुत सारे नोट्स मिलेंगे बाज़ार में, किताबें मिलेंगी, हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको जीना है, हाँ नहीं, हम जानना चाहते हैं एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है, तो आपको समझना होगा। उसके लिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मेरी बातों को सुनते जाइए, बहुत कुछ समझ में आएगा। ओके, तो चलते हैं, डायोड के बारे में बात किए। ये इसका नाम है सेमीकंडक्टर डायोड। क्या नाम है? सेमीकंडक्टर डायोड। उसका मुख्य काम मैंने बताया, उसमें और भी काम होते हैं। इस ऐसे एक काम बताया मैंने, एसी को डीसी में बदलना, ठीक है। ओके, एसी को किसे बदलना? डीसी में। ओके, आगे चल के मैं इसको पूरा और प्यूरीफाई करूंगा और अच्छे से बताऊंगा कि एसी को डीसी में कैसे बदल देता है डायोड, ठीक है। क्या ऐसा है इसके अंदर, कैसे बदलता है? अंदर में कोई होगा तब तो बैठा हुआ होना चाहिए ना, तब ना वो एसी आ रहा होगा उसको बदल देगा डीसी में, एकदम ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। डायोड और भी होते हैं, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ जो आप लोगों को सुनने को मिलता है, उसका नाम क्या है देख लीजिए, एलईडी। नाम सुने होंगे, क्या नाम मैंने बोला? एलईडी। अरे सर, अरे एक लड़का बोला ये तो सुने हैं सर, हमारे घर में भी है, ठीक है। हम बोले कैसा? तो एलईडी बल्ब लगा हुआ है, एकदम सही सुना है, एलईडी बल्ब, उसी के बारे में बात करते हैं। यदि मैं इसका फुल फॉर्म बात करूँ तो होगा लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। ये लाइट इमिटिंग डायोड कहलाएगा, ये भी उसी सेमीकंडक्टर मटेरियल से ही बना है और इसमें भी एनोड और कैथोड पाए जाते हैं। एक छोटा सा बल्ब होता है, उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, जो जनरली चार्जर में लगा रहता है लाल रंग का, जब चार्जर लगाते हैं तो रेड कलर का बत्ती जलता है, वो एकदम सही। रिमोट में लगा रहता है सामने में, जब जलाते हैं तो रिमोट से वो एलईडी से लाइट निकलता है और वो आपका टीवी चालू हो जाता है। तो ये सब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं जिसके बारे में पढ़ेंगे और डिटेल में बताऊंगा कि बल्ब के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है, वो काम कैसे करता है, ठीक है। एनोड कैथोड कैसे पहचानेंगे, मैं बल्ब ला के दिखाऊंगा आपको एलईडी, ठीक है, कि एलईडी क्या होता है। वो इस तरह के शेप का होता है, देखिए यहाँ पर मैंने बनाया, इस तरह का छोटा सा बल्ब होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पर इस तरीके से होता है, यहाँ पर ऐसे, इस तरीके से, यहाँ से ऐसे होता है। ये रेड अलग अलग रंग कलर निकालता है, कलर कैसे निकालता है उसके बारे में बात करेंगे। इस तरीके से बाजार में एलईडी अवेलेबल है, ठीक है, तो इसको हम लोग एलईडी कहते हैं। तो ये एलईडी के बारे में भी पढ़ेंगे। और भी डायोड है, मैं अगर नाम लूँ अभी, जीनर डायोड, फोटो डायोड, वैरेक्टर डायोड, तो आप बोलने लगेंगे सर क्या है ये सब, नाम समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं नाम सिर्फ ले सकता हूँ, धीरे धीरे चैप्टर्स पे आएंगे तो मैं एक एक करके एक्सप्लेन करना शुरू करूँगा। तो फिलहाल मैंने आपको डायोड बताया, अब आते हैं दूसरा टॉपिक है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर नाम सुने होंगे, रेक्टिफायर नहीं सुने हैं, पहली बार सुन रहे हैं। रेक्टिफायर वही है, डायोड का एप्लीकेशंस कहलाता है। डायोड अभी क्या काम कर रहा था? एसी को डीसी में बदल रहा था। तो एसी को डीसी में बदलने में बीच में एक प्रोसेस होता है, डायोड के द्वारा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का नाम है रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफायर, ठीक है। रेक्टिफायर नाम का एक डिवाइस लगाया जाता है चार्जर में, तब जाके चार्जर बनता है, अच्छा तब जाके एसी में, एसी से डीसी कन्वर्ट होता है। एसी से डीसी डायरेक्ट नहीं होता है, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप होता है। ओके, तो उसमें एक डिवाइस का नाम है रेक्टिफायर। ये एसी से डीसी बदलने की प्रक्रिया में एक अहम रोल देता है, ठीक है। और इसमें किसका प्रयोग होता है? डायोड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? डायोड का। चलते हैं, एक और टॉपिक है, उसका नाम है फिल्टर। ये फिल्टर कौन है? तो एक लड़का बोलता है सर अच्छा फिल्टर तो सर मेरे घर में भी है, पानी वाला, ठीक है। तो मैकेनिकल फिल्टर है, पानी को छानता है, पानी में से केमिकल्स जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है उसको रोक देता है, और जो आपके शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है उसको वो पास करता है और उसको आप पीते हैं, आपका शरीर स्वस्थ रहता है, ठीक है। बट यहाँ जो हम फिल्टर आपको बता रहे हैं वो फिल्टर नहीं है, हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स फिल्टर पढ़ रहे हैं। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स फिल्टर क्या होता है सर? तो ये फिल्टर के बारे में बता दूँ, हमारे पास हमारे जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है अलग अलग फ्रिक्वेंसी, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति, अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, ठीक है।
जब अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा तो हमको चाहिए एक बीच का फ्रीक्वेंसी। अब खुद सोचिए ना, आप जो है आपका कान जो है कितना फ्रीक्वेंसी को सुनता है। तो अचानक आप बोलेंगे, तुरंत आप बोलेंगे सर 20 हर्ज से लेके 20 किलो हर्ज, कितना 20 हर्ज से लेके 20 किलो हर्ज तक की फ्रीक्वेंसी को सुनेगा, ठीक है। तो अब बताइए 20 हर्ज से पहले और 20 किलो हर्ज के बाद की फ्रीक्वेंसी आपको नहीं चाहिए, एकदम नहीं चाहिए। तो भाई छानना पड़ेगा ना उसको, छानना, जैसे आप चाय छानते हैं तो चाय पत्ती अलग हो जाता है, चाय अलग हो जाता है, तो बीच में एक फिल्टर लगाते हैं चाय छन्नी, वैसे ही हमको सर्किट में कुछ ऐसा बीच में पार्ट लगाना पड़ेगा जिससे ढेर सारे फ्रीक्वेंसी आ रहे हों उसमें से छन करे, 20 हर्ज से 20 किलो हर्ज निकले, तभी तो आप सुन पाएंगे, नहीं तो आपको सुनाई कहाँ से देगा, ठीक है। अब 20 हर्ज से नीचे रहेगा तो चमगादड़ सुनता है, चुड़ैल सुनते हैं, भूत सुनता है, ये सब आवाज़ हम लोग नहीं सुन पाते हैं। हाँ, जो भूत और चुड़ैल की बात कर रहे हैं आप भी नहीं देखे हैं कभी, ठीक है, चलते हैं। तो मैंने आपको फिल्टर्स के बारे में बताया कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए अगर आपको, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, फिल्टर का। तो बनेगा किससे, फिर वही सर डायोड का प्रयोग होगा, ठीक है, फिर डायोड का प्रयोग होगा। यानी डायोड बहुत उपयोगी चीज़ है, डायोड ही मेन डिवाइस है जिससे अलग अलग यंत्र बन सकता है। तो डायोड से बनाए रेक्टिफायर, डायोड से बनाए फिल्टर, फिर आपको ट्रांजिस्टर के बारे में बात करेंगे। ये ट्रांजिस्टर क्या होता है सर, ठीक है, आपको मैं बता दूं, ठीक है। ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो सिग्नल को जनरली एम्प्लीफिकेशन करने के लिए या जनरली स्विचिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है, एम्प्लीफिकेशन। अब सोचिए, मैं अभी यहाँ पर ये लगाया हूँ माइक, देखिए ये माइक है। अब मैं क्यों माइक लगाया, ठीक है, क्योंकि मेरा जो कैमरा है वो अच्छे खासे दूरी पर रखा हुआ है, करेक्ट। अब मैं यहाँ से बोलूँगा तो मेरा आवाज़ कैमरे वाले जो माइक है उस पे जाते जाते एकदम कमज़ोर हो जाएगा, तो मेरा आवाज़ तो बढ़ेगा नहीं। तो मैं एक तार के द्वारा यहाँ से माइक लगाया और इस माइक पे मैं बोला तो मेरा आवाज़ ज़्यादा गया, और एम्पलीफायर उसके अंदर है, एम्पलीफायर लास्ट में पढ़ाएंगे, स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर, वह सिग्नल को बड़ा करता है, बढ़ाने का काम करता है, कौन करता है, एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर के अंदर, एम्पलीफायर का काम है सिग्नल को इंक्रीज करना, और इसके अंदर ये ट्रांजिस्टर लगा रहता है। एम्पलीफायर डिवाइस का नाम हुआ और ट्रांजिस्टर एलिमेंट का नाम हुआ। इस एम्पलीफायर के अंदर कौन रहता है, ट्रांजिस्टर रहता है, सॉरी ओके। तो मैं इसी ट्रांजिस्टर्स के एम्पलीफायर के अंदर ट्रांजिस्टर्स डालूंगा और सिग्नल को बड़ा यानी एम्पलीफाई करने की कोशिश करूंगा। यहाँ तक क्लियर है, थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, अभी नए नए टॉपिक्स हैं सर, कुछ भी समझ में पूरी तरीके से इसलिए नहीं आएगा कि मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी इतनी बात तो समझ में आ रही होगी कि हम कहाँ यूज करते हैं, हम देखते कहाँ हैं, ठीक है। आप चले जाइए कहाँ पर, बताता हूँ, जनरली शादी वगैरह होता था, आवाज़ गाना बजता है, वो एम्पलीफायर ही तो है, ठीक है, उसमें एम्पलीफायर लगा होता है जिससे कि आप गाना तेज आवाज़ में सुन सकते हैं, आवाज़ बढ़ा सकते हैं, आवाज़ और तेज कर सकते हैं, तो एम्पलीफायर है। तो वो कैसे काम करता है, उसके सर्किट्स कैसे होते हैं, वो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। बाइसिंग ऑफ बीजेटी, इसके बारे में तो थोड़ा और डिटेल जानकारी चैप्टर पे ही दूंगा, लेकिन मैं बता दूं, एक्चुअली में जब आप एम्पलीफायर बनाते हैं तो सिग्नल्स इधर उधर हिलता डुलता है भाई, सिग्नल्स, अगर मान लीजिए रोड बना दिया, रोड में गाड़ी चला रहे हो, तो रोड का गाड़ी जो है इधर उधर ना भागे, इसके लिए आप रोड इतना ही चौड़ा बनाते हो, ठीक है। अगर रोड आप ऐसे नहीं बनाते मेटालिक, तो आपको पता नहीं चलता गाड़ी कैसे चलानी है, जैसे मन किया उधर भागते, कभी इधर भागते, कभी बहुत चौड़ा रोड रहता, मतलब रोड ही नहीं रहता, तो जैसे तैसे चलते। तो आप रोड बना दिए तो आपको पता चल गया कि अच्छा इसका किनारा यहाँ है, इसका किनारा इतना ही चलेंगे, ठीक है। तो ये सिग्नल जो है, ये जो आपके पास ट्रांजिस्टर है उसमें सिग्नल इधर उधर मूव करता है, इधर उधर हिलता डुलता है, आपके भाषा में भी यही बात बोल सकता हूँ मैं, आपके मैं टेक्निकल भाषा यूज़ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो हिलता डुलता है, तो उसको स्टेबल करने के लिए, क्या मैंने बोला, स्टेबल करने के लिए हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, उसका नाम है बाइसिंग। बाइसिंग का काम है सिग्नल को स्टेबलाइज करना, सिंपल सी बात है, सिग्नल को स्टेबलाइज करना। एम्पलीफायर का काम है सिग्नल को बड़ा करना, एम्पलीफाई करना, ठीक है। दोनों का बहुत इम्पॉर्टेंट, दोनों मिलके काम करेगा तब जाके एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस बनेगा। रेगुलेटेड पावर सप्लाई, ये हमारी दुनिया का नाम है,
अब मैं बोलूँगा तो आप बोलेगा अरे सर ये तो कभी सुने ही नहीं है, लेकिन मैं जो बात बताऊँगा फिर बोलेगा अच्छा ये तो सुने हैं। चार्जर, बैटरी, मोबाइल चार्जर, नाम सुने हैं? बैटरी चार्जर, मोबाइल चार्जर ले लीजिए, बैटरी चार्जर और मोबाइल चार्जर। ये बैटरी चार्जर और मोबाइल चार्जर को हम लोग टेक्निकल दुनिया में, हमारी दुनिया में, इलेक्ट्रिकल दुनिया में, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में रेगुलेटेड पावर सप्लाई बोलते हैं। ठीक है, आप पहली बार जान रहे होंगे, दुकान में लेकिन जाके बोलिएगा हमको रेगुलेटेड पावर सप्लाई दो, ठीक है, तो नहीं देगा, क्योंकि ये हम लोगों की भाषा है। ठीक है, हम लोगों की भाषा है, जैसे डॉक्टर्स अपनी भाषा में बात करते हैं कि कौन सी बीमारी है, क्या है। ठीक है, तो डॉक्टर्स की भाषा आपको समझ में आती नहीं है, दो डॉक्टर्स जब बात करते हैं तो। वैसे ही हम लोग इंजीनियर्स हैं तो हम लोग रेगुलेटेड पावर सप्लाई जानेंगे, लेकिन जब आप इसको बाहर की दुनिया में बोलेंगे तो वो नहीं जानता है रेगुलेटेड पावर सप्लाई क्या होता है, उसका आप कॉमन नेम बोलते हैं। जैसे मोबाइल चार्जर, बैटरी चार्जर या किसी भी चीज़ का चार्जर की बात करेंगे तो वहाँ पर रेगुलेटेड पावर सप्लाई आएगा। ठीक है, तो मैं इसके बारे में भी बात करूँगा, रेगुलेटेड पावर सप्लाई होता क्या है। इसमें जहाँ बता दूँ, इस रेगुलेटेड पावर सप्लाई में रेक्टिफायर आ जाएगा, फिल्टर आ जाएगा, दोनों आ जाएगा, यानी ये दोनों लोग मिल के रेगुलेटेड पावर सप्लाई बनाते हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर सर इस चैप्टर को पढ़ना है तो पहले रेक्टिफायर पढ़ना होगा, और क्या पढ़ना होगा, फिल्टर, और रेक्टिफायर पढ़ने के लिए आप क्या करेंगे, डायोड पढ़ना होगा। ठीक है, और डायोड पढ़ने के लिए क्या करना होगा, सर सेमीकंडक्टर जानेंगे तब ना सेमीकंडक्टर डायोड बनाएंगे। तो यानी सारा का सारा फिर से घूम फिर के हम लोग कहाँ पहुँच गए, सेमीकंडक्टर पर। सेमीकंडक्टर अगर आपको बढ़िया से पता है तो आप इस पूरे सिलेबस में कहीं परेशान नहीं होंगे। क्या, कौन सा टॉपिक मैंने बोला, सेमीकंडक्टर, हिंदी होता है अर्धचालक। अंतिम टॉपिक पे आते हैं, स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर। जैसे ये एक डिवाइस बनाए वैसे ही हम लोग एम्पलीफायर नाम का एक डिवाइस बनाते हैं जो सिग्नल को बड़ा करने का काम करता है। जैसे मैं माइक से बोल रहा हूँ तो मेरा सिग्नल ये बड़ा करके आपको रिकॉर्डिंग में डाल रहा है। ठीक है, ये सिग्नल को बढ़ाने का काम कर रहा है, तो ये एक प्रकार का एम्पलीफायर डिवाइस है। तो एम्पलीफायर डिवाइस जहाँ भी सिग्नल्स, आवाज़ को बढ़ाना नहीं बोला मैंने, सिग्नल को बढ़ाने की बात किया, वह इसमें आवाज़ वाला एग्जांपल के रूप में आ जाएगा। और भी चीज़ें हैं जो सिग्नल में, बहुत सारे टाइप के सिग्नल होते हैं आपके पास, अलग अलग तरह के सिग्नल्स को इंक्रीज करने का काम एम्पलीफायर्स का होता है। ठीक है, टेक्स्ट सिग्नल, वॉयस सिग्नल, पिक्चर सिग्नल एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल आर अवेलेबल। ठीक है, उसमें आप वो सिग्नल का प्रॉपर्टीज अलग अलग होता है, वो साइनोशुडल हो सकता है, साइनोशुडल, साइन वेव, कोसाइन वेव, ठीक है, एक्सपोनेंशियल वेव, किसी तरह का वेव हो सकता है। वो उसका नेचर, उसका इक्वेशन जैसा जनरेट होगा उस अनुसार से हम सिग्नल देंगे, और उसी सिग्नल को वो बड़ा करने का काम करेगा, इंक्रीज करने का काम करेगा, और उस डिवाइस का नाम क्या होगा, एम्पलीफायर। चलिए, तो जैसे एम्पलीफायर मैं आपको बता दूं, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर मान लिया मैंने एक डिवाइस लगाया। ठीक है, देख लीजिए, ये यहां पर मैंने माइक लगाया, माइक समझते होंगे आप, मैं माइक लगा दिया, देखिए आप हेलो हेलो यहां से चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पर मैंने एम्पलीफायर लगा दिया, एम्पलीफायर, और यहां पर मैंने स्पीकर लगा दिया, स्पीकर, देख लीजिए ऐसा स्पीकर, यहाँ से हेलो हेलो चिल्लाइएगा तो आवाज़ निकलेगा। तो ये एम्पलीफायर नाम का डिवाइस आपके इस माइक से आवाज़ लेगा, एम्पलीफाई करेगा, और स्पीकर से आवाज़ ज़्यादा देगा। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये माइक है, यहाँ से आवाज़ निकलेगा वायर के द्वारा, एम्पलीफाई होकर के हमारे मोबाइल में रिकॉर्ड होगा और तेज़ आवाज़ सुन पाएंगे। अगर ये माइक हटा दूँ मैं तो आपको आवाज़ कम सुनाई देगा। ठीक है, तो इसका मतलब है एम्पलीफायर जो है सिग्नल को इनक्रीज करने का काम कर रहा है। करेक्ट, तो हमारे पास कुल मिलाकर के 6 यूनिट्स हैं। बहुत अच्छे से हम लोग 6, जितने भी 6 यूनिट हैं अच्छे से हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, अब आता है सर बुक्स कौन सा लें। ठीक है, तो बाज़ार में ढेर सारी किताबें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, मैं आपको बुक्स के बारे में बता देता हूँ, 2-3 किताबें हैं जिसको कि आप ले सकते हैं और काम चला सकते हैं। पहला है, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, क्या मैंने बोला, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ये है वी के मेहता, एशचांद पब्लिकेशन का है, और ये जो किताब है सबसे बेसिक किताब माना जाता है।
अगर आपको कुछ भी नहीं दुनिया में समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, हमको बढ़िया से समझना है क्योंकि इसका इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ईजी है, रंग बिरंगा फ़ोटो इसमें किताब का फ़ोटो है, आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं बेसिक्स बातों को, ठीक है। जैसे ही आपका बेसिक्स क्लियर होगा तो थोड़ा सा इसे ऊपर का बुक ले सकते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक्स CKT माने सर्किट होता है और ये है JB गुप्ता, जिसको कि हम लोग काटसन पब्लिकेशन, कटारिया सन्स बोलते हैं, काटसन पब्लिकेशन की किताब आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये जो किताब है थोड़ी मोटी किताब है और ये थोड़ी पतली किताब है। ये किताब अगले सेमेस्टर में भी काम आ जाएगा, अगले सेमेस्टर में यानी चौथे सेमेस्टर में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़ा भाई अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा। जैसे बेसिक मैथ का बड़ा भाई अप्लाइड मैथ आया, वैसे ही बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़ा ऊपर का चैप्टर सब्जेक्ट अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा। उस समय ये बुक्स यानी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट बहुत काम आएगा, उस समय ये बुक्स होगा। हाँ, इसमें से भी कुछ चैप्टर्स मिलेंगे बट आपकी मर्जी है, ठीक है। ये किताब बेसिक्स ज़्यादा है, इसका थोड़ा इंग्लिश टफ है, इसका थोड़ा इंग्लिश और ईजी है, ईजी वे में आप समझ सकते हैं। तो मैंने आज आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में यूनिट 1 से लेकर यूनिट 6 तक आपको समझाया कि यूनिट क्या होता है ये, ठीक है, और इसको आप कैसे समझेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस की जानकारी थी, चैप्टर की जानकारी हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं और ये पूरा वीडियो आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, अगले वीडियो में हम लोग का यूनिट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से मैं आपको एक बात जाते जाते बोल देता हूँ जो इम्पॉर्टेंट बात है। हम लोग ऑनलाइन क्लासेस की दुनिया में हैं, ऑनलाइन क्लासेस हम लोगों के लिए आपके लिए एकदम नया है, थोड़ा सा परेशानी होगा, आपको एडजस्ट करना होगा, घर बैठ करके स्टडी करना है। जो किताब जो मैं हम लोग आपको पढ़ाएंगे, हम लोग मान के चलते हैं कि आप मेरे सामने नहीं हैं तो मैं हर पॉइंट को क्लियर करूँ, फिर भी यदि कोई पॉइंट बच जाए तो आप उसको रेड पेन, ब्लू पेन, ग्रीन पेन, तीन अलग अलग पेन रखिए, रेड पेन से वहाँ टिक करके रख लीजिए और एक साइड का रफ कॉपी रखिए और लिख दीजिए कि पेज नंबर इतना पर हमें ये क्वेश्चन पूछना है, डाउट्स क्वेश्चन पूछना है। तो डाउट आपका लिखा रहेगा, उसी समय लिखिए डाउट, ठीक है, ताकि आपको जिस दिन डाउट क्लास हम देंगे, संडे टू संडे डाउट क्लास मैं आपको दे रहा हूँ, तो जब हम डाउट क्लास देंगे तो आप उस दिन डाउट खोजना ना पड़े, डाउट तो लिखा हुआ है। आएंगे सर, लीजिए सर ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया, ये कैसे बताए, ये क्या होता है, ये क्या कैसे काम करता है, आपको जो भी डाउट होगा आप वहाँ पर अपना पूछ सकते हैं, जिससे आपका समय बचेगा और आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सभी का नोट्स बनाना शुरू कीजिए, जैसे हम लोग पढ़ाते हैं वैसे पढ़िए। आपके नोट्स कॉपी में सिलेबस के पहले पेज पे सारा सिलेबस सॉरी कॉपी के पहले पेज पे पूरा सिलेबस चिपका होना चाहिए, जो आपको सिलेबस है अगर होता है तो, नहीं तो हाथ से लिख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद मैं एक एक करके हर एक टॉपिक को क्लियर करूँगा, एक एक करके वन बाय वन लाइन से चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का यूनिट नंबर वन में भी मैं सबसे पहले क्या पढ़ाऊँगा, सेमीकंडक्टर, पूरा सेमीकंडक्टर, डायोड नहीं स्टार्ट करूँगा, पहले सेमीकंडक्टर। तो हम लोग अगले वीडियो में सेमीकंडक्टर के बारे में देखेंगे और समझेंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच।